नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार आज जो आरसीबी टीम चेन्नई के खिलाफ अपना नवा मुकाबला खेलने वाली है आईपीएल 2021 फेज टू में, दोस्तों ऐसे में इस मैच में आरसीबी टीम की तीन सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है जिन्हें वो फॉलो करेंगे तो इस मैच को वो कंफर्म जीत जाएंगे, कौन सी ऐसी रणनीति उन्हें अपनानी चाहिए इस मैच में जिससे वो इस मुकाबले को जीत जाए और उन्हें दो अंक मिल जाए, इसके बारे में ही आगे सारी बातचीत हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो भाइयों, अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। वहीं दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुँचते रहे। वही दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आरसीबी को यदि ज्वाइन नहीं किए हो तो उसे भी आज से ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगातार मिलती रहती है। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाकर उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को इससे पहले कि स्टार्ट करें, दोस्तों क्या लगता है कि आपको आज जो है आरसीबी टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा और कौन सा गेंदबाज होगा जो आरसीबी टीम के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला है इस मैच में, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस आईपीएल में मैं फैंटेसी क्रिकेट खेलने वाला हूँ एमपीएल ऐप पर, जिसके तीन कारण हैं। पहला कारण यह है कि इस बार जो है एमपीएल लेकर आया है 99 रुपीज़ का एक शानदार सीजनल पास, जिसे लेते ही आप करोड़ों की ग्रैंड लीग जो है डिस्काउंटेड एंट्री में ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, लाखों की फ्री एंट्री वाली लीग भी जो है आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद दूसरा कारण यह है कि एमपीएल पर डेली फैंटेसी क्रिकेट में 10 करोड़ रुपये विनिंग्स होते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपके पास यहाँ पर एमपीएल पर सुनहरा मौका है करोड़पति बनने का। तीसरा कारण यह है कि भाइयों, यहाँ पर आपको कुल 99 टीमें क्रिएट करने का मौका मिलता है, जितनी ज़्यादा टीमें बनाओगे जीतने के चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। आज की मेरी टीम जो है कुछ इस प्रकार से होने वाली है, जहाँ पर मैंने कप्तान जो है एबीडी को बनाया है, बाकी मेरे बैट्समैन बॉलर्स और ऑलराउंडर्स कुछ इस प्रकार से होने वाले हैं। तो भाइयों, आप भी एमपीएल पर खेलना स्टार्ट कर दो। बात करें आरसीबी टीम के यहाँ पर पहली रणनीति के बारे में, तो भाइयों टीम के कप्तान विराट कोहली को इस मैच में हर हाल में एक बड़ा स्कोर बनाना पड़ेगा टीम के लिए, और एज अ ओपनर जो है टीम को अच्छी शुरुआत देनी पड़ेगी। विराट कोहली आईपीएल 2021 में अपने रंग में नज़र नहीं आए हैं। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज कोहली इस सीजन में 8 मैचों में सिर्फ 203 रन ही बना सके हैं। उनके बल्ले से सिर्फ एक ही अर्धशतक आया है। कोहली पड्डिगल के साथ ओपनिंग करते हैं, तो ऐसे में उन्हें एक छोर संभालते हुए एक बड़ा स्कोर आज के मैच में बनाना होगा ताकि चेन्नई के गेंदबाजों के पर जो है प्रेशर आ सके। कोलकाता के खिलाफ भी कोहली सिर्फ 5 रन बनाकर ही आउट हो गए थे, सस्ते में लौट गए थे वापस पेविलियन में। अब ऐसे में दोस्तों, फैंस और टीम मैनेजमेंट यही उम्मीद कर रही है कि इस मैच में कोहली आरसीबी टीम को ना सिर्फ एक अच्छी शुरुआत दिलाएंगे बल्कि अपनी बल्लेबाजी से इस मैच में टीम को मैच भी जितवाएंगे। इसके बाद दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर दूसरी रणनीति की, तो भाइयों दूसरी रणनीति आरसीबी टीम ये फॉलो करने वाली है कि इस मैच में गेंदबाजों को विकेट्स निकालने पड़ेंगे। केकेआर के खिलाफ आरसीबी टीम द्वारा दिए गए 93 रनों के लक्ष्य को आसानी से 10 ओवर में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया था। सिर्फ चहल ही एकमात्र विकेट लेने में सफल रहे थे। मोहम्मद सिराज की अगुवाई में तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन बेहद ख़राब रहा था। सिराज, काइल जेमिसन और हर्षल पटेल ने 6 ओवर फेंके, जिसमें केकेआर के बल्लेबाजों ने आसानी से 51 रन बना डाले। ऐसे में दोस्तों, इस मैच में गेंदबाजों को हर हाल में अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। शारजाह में मैच है, तो ऐसे में यहाँ पर बल्लेबाज जो है जमकर बरसेंगे, वो छक्के चौके लगाने के लिए जाएंगे, मगर आरसीबी टीम के गेंदबाजों को यहाँ पर बल्लेबाजों को रोकना होगा और विकेट्स निकालने पड़ेंगे नियमित अंतराल पर ताकि टीम जो है मैच में बनी रहे, इस मैच को जीत सके। तीसरी रणनीति यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स को। खासकर इन दोनों ही बल्लेबाजों को मिडल ऑर्डर को संभाल कर रखना पड़ेगा। बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए उपयोगी पारी खेलनी पड़ेगी और फिनिशर की भूमिका निभानी पड़ेगी। आरसीबी टीम की सबसे बड़ी ताकत ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स की विस्फोटक बल्लेबाजी है। दोनों खिलाड़ियों के नहीं चलने पर टीम बिखर जाती है, पिछले मुकाबले में हमने ऐसा देखा भी था। अब चेन्नई के खिलाफ एबी डिविलियर्स और मैक्सवेल को भी पुराने फॉर्म में वापस आना होगा और खासकर टीम के मिडल ऑर्डर को पूरी तरह से संभाल के रखना पड़ेगा, मैचेस को फिनिश करना होगा ताकि आरसीबी टीम के बल्लेबाज बाकी के बल्लेबाज जो है वो प्रेशर में ना आए, उन पर दबाव कम रहे, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार मैक्सवेल और एबीडी जो है अगर खेलते हैं लंबा तो ये मैचेस को फिनिश करके ही आते हैं, आरसीबी टीम को मैचेस जो है जिता कर ही आते। तो भाइयों, यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आरसीबी टीम अगर इस मैच में फॉलो करती है तो इस मुकाबले को आसानी से जीत लेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो आप भी दोस्तों एमपीएल ऐप पर खेलना स्टार्ट कर दो फटाफट, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर फटाफट डाउनलोड करो। तो आज से ही खेलना शुरू कर दो कि यहां पर आपको ढेर सारे मौके मिल रहे हैं करोड़पति बनने के और बहुत सारे पैसे कमाने के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।